Hello friend, I am Dr. Sanjay Sharma, International Pain Physician from JPRC Neuro Spine Center. आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम फील्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम कहते हैं। अक्सर हमने मरीजों से सुना है कि ऑपरेशन करवाया, स्पाइन की सर्जरी हुई, गर्दन की सर्जरी हुई और उसके बावजूद भी समस्या वैसी की वैसी है। ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हम सर्जरी का पार्ट लेते हैं, कंसिडर करते हैं। उसमें 30% ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ये एक इंसिडेंस है जो किसी भी एक अच्छे अस्पताल या कोई बहुत अच्छा सर्जन हो वो सब किसी के साथ भी हो सकता है। या इसमें चक्कर क्या है, बेसिकली कई सारे फैक्टर काम करते हैं कि मरीज़ का ऑपरेशन हुआ, कुछ सावधानियां बताई जाती हैं, वो सावधानियां अच्छे ढंग से नहीं रही जाती, या सर्जरी के किसी लेवल पर कोई कमी रह जाती, या फिजियोलॉजिकली कोई ऐसी इनकॉम्पिटेंसी रहेगी ऑपरेशन के बाद के अंदर से जो रिपेयर प्रॉपर वे में नहीं हो पाई है। तो कई मल्टीफैक्टोरियल रीज़न होता है जिसके कारण किसी भी सर्जरी का जो प्रोग्नोसिस है या आउटकम है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। अब उसके अंदर से डिपेंड करता है कि एक सर्टेन लेवल तक की कुछ सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट होते हैं तो वो मेडिसिन से भी सही हो जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि हमारी जो थेरेपीज़ वगैरह फिजियोथेरेपी का पार्ट है उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करके भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी यदि पेशेंट कहता है कि मेरी सर्जरी हो चुकी है इसमें और सर्जरी के बावजूद भी मेरा यदि परिणाम उसके मुताबिक नहीं आ रहा है तो उन सिचुएशंस के अंदर से मिनिमल इन्वेजिव जो टेक्निक्स होती हैं जिसे हम मिप्सी टेक्निक, मिनिमल इन्वेजिव पेन इंटरवेंशन टेक्निक्स कहते हैं, उसके अंदर से कुछ टेक्निक्स जो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस भी करते हैं, फ्लोरो गाइडेंस भी करते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही ये सारा काम होता है, ये कोई वैसे वाला काम नहीं है। और इसमें जो कॉम्पिटेंट जो कंसर्न सर्जन होता है, न्यूरो सर्जन होता है, न्यूरो फिजिशियन भी हो सकता है, पेन फिजिशियन भी हो सकता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हो सकता है, जिसने पर्टिकुलरली इस चीज़ के अंदर से एक्सपर्टीज़ किया हुआ हो। ये कॉमन डॉक्टर के लिए नहीं पॉसिबल है इस चीज़ के अंदर से। तो इस वाले केस में यदि जो उसका सिम्टम्स आ रहा है, हो सकता है कि डिस्क का फ्रेगमेंट निकल रहा हो सकता है, नर्व का इंट्रैपमेंट हो रहा हो सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो रही हो सकता है, फैसेट जॉइंट हो, जब तक उसकी पैथोलॉजी अपन डिफाइन नहीं करेंगे तब तक उसका जो रीडू सर्जरी के लिए, रीडू प्रोसीजर के लिए हम असेस नहीं कर सकते इससे। तो इन सब चीज़ों में कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसे हम जैसे एडिजिनोलाइसिस कहते हैं, रेज एडिजिनोलाइसिस कहते हैं, न्यूरोस्टिमुलेशन कहते हैं, है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। इन प्रोसीजर्स को एक डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं कि हम किसी भी सर्जरी को अटेम्प्ट करने से पहले इस तरह की समस्या का हम काफ़ी हद तक निदान कर सकते हैं। और जो एक भ्रांति बनी हुई है कि साहब ये सर्जरी, कोई भी सर्जरी फेल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ परसेंटेज केसेस होते हैं वो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसमें हम किसी को ब्लेम लगाएं, हम किसी डॉक्टर को कहें या किसी अस्पताल को कहें या किसी मरीज को कहें, इसमें सबका कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे हमारी खुद का भी योगदान होता है। तो मेरा कहना ये है कि यदि आपको इस प्रकार की कोई समस्या है कि जिसमें आपने सर्जरी करवा चुके हैं, स्पाइन की सर्जरी जिसमें अमूमन स्लिप डिस्क की है, नर्व का कंप्रेशन है ना, कम अमूमन सर्जरी तो यही होती है। यदि इनमें दोबारा आपको कोई सिम्टम्स आ रहा है जिसमें पैरों में झुनझुनाहट आ रही है, सूनापन आ रहा है, भारीपन आ रहा है, तो एक बार किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को, है ना, जो इस चीज़ के अंदर से एक्सपर्ट होते हैं, अपना प्रॉपर इवेल्युएशन कराएं, उसकी जो रिक्विजिट इन्वेस्टिगेशन है, सिटी स्कैन कराना है, एमआरआई कराना है, वो कराएं, तो जिससे हमें पैथोलॉजी का पता लग सके और उस पैथोलॉजी का उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर सकें। तो मेरा एक यही आपको संदेश है कि इस टाइप के कोई भी जो केसेस हैं उनको केवल ब्लेम ही नहीं माने कि ये सर्जरी के बहुत बेकार हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसको हम उसी अकॉर्डिंगली इलाज लें। थैंक यू।